हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के गठन के बाद वहां के पहले कानून मंत्री एक दलित हुआ करते थे। उनका नाम था योगेंद्र नाथ मंडल। उन दिनों मुस्लिम लीग के द्वारा दलित मुस्लिम एकता का नारा दिया जाता था। पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दलित मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते थे। किंतु जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा। पाकिस्तान की राजनीति ने करवट बदली और दलितों पर अत्याचार बढ़ने लगा। इसके बाद योगेंद्रनाथ मंडल का क्या हुआ, आज इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में पाकिस्तान गठन के बाद योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री नियुक्त हुए थे। किंतु जल्दी ही पाकिस्तान के रहनुमाओं का असली चेहरा सामने आने लगा। हालात ऐसे बन गए कि 8 अक्टूबर 1950 को योगेंद्रनाथ मंडल को इस्तीफा देकर पाकिस्तान से भागना पड़ा। श्री मंडल लौटकर भारत आ गए और वर्ष 1968 में अपनी मौत तक यहीं रहे। वे पश्चिम बंगाल के डकारिया के समीप एक दलित बस्ती में बने झुग्गी में रहा करते थे। इस क्षेत्र के लोग बहुत बुरी हालत में रहते थे। श्री मंडल का आखिरी समय बेहद ही गरीबी और दुश्मनियों में बीता। उनके अपने समाज के लोग भी देश के बंटवारा और पाकिस्तान में दलितों की हालात के लिए योगेंद्रनाथ मंडल को ही जिम्मेदार मानते थे। पाकिस्तान से लौटने के बाद लोग उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। कुछ ऐसे ही लोग थे जो उनको योगेंद्रनाथ मंडल की जगह जोगन अली मुल्ला कहकर पुकारने लगे। इसी अपमान और जिल्लत से भरी गुमनाम की जिंदगी को जीते हुए वर्ष 1968 में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि नौका से नदी पार करते समय बीच नदी में ही उनको दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। उस समय नाविक के अलावा वहां और कोई नहीं था। लोगों ने आनन फानन में उनका दाह संस्कार कर दिया, जबकि कायदे से पोस्टमार्टम होना चाहिए था। नतीजा योगेंद्रनाथ मंडल की मौत आज भी रहस्य बना हुआ है। दुख की बात यह है कि जिस पाकिस्तान को बनाने में योगेंद्रनाथ मंडल ने बड़ी भूमिका निभाई, उसी पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कभी भी उनकी सुधी लेने की कोशिश नहीं की। उल्टे पाकिस्तान में उनको गद्दार और कायर कहा गया। उनके पुत्र जगदीश चंद्र मंडल को हमेशा इस बात का मलाल रहा। उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया। यहां एक बात और जो गौर करने वाली है, दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुस्लिम लीग और जिन्ना की राजनीति को समझ चुके थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान में अधिक दिनों तक दलित सुरक्षित नहीं रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कई किताबों में इस बात का जिक्र भी किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने योगेंद्रनाथ मंडल को उन दिनों बहुत समझाया, पर वो नहीं माने और आखिरकार पाकिस्तान में इसका खामियाजा उनको और उनके पूरे समाज को भुगतना पड़ा। इसको विनम्रता कहिए कि योगेंद्रनाथ मंडल समाज को केवल राजनीतिक और आर्थिक चश्मे से देखते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को समझने में उन्होंने बड़ी भूल कर दी, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साथ सभी पहलुओं की समझ रखते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत में दलित राजनीति आज भी खूब फल फूल रहा है, जबकि पाकिस्तान में दलित राजनीति के लिए आज कोई जगह नहीं बची है। इतिहास में झांकने से पता चलता है कि साल 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया था। उस वक्त अधिकांश लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 2-3 साल में स्थिति पूरी तरह से बदल गई और पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगा। जिस वक्त पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी, ठीक उसी वक्त दलित राजनीति भी अपने उफान पर थी। उन्हीं दिनों शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण हुआ और योगेंद्रनाथ मंडल इसके सबसे प्रभावी नेता बनकर उभरे। योगेंद्रनाथ मंडल का मानना था कि मुस्लिम शासन के अधीन दलित को अधिक सम्मान मिल सकता है, लिहाजा जल्दी ही वे मुस्लिम लीग के संपर्क में आ गए और दलितों को पाकिस्तान के समर्थन में गोलबंद करना शुरू कर दिया।
जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके विपरीत सोच रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर का मत अस्पष्ट था। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि पाकिस्तान में दलित कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ठीक इसके विपरीत योगेंद्रनाथ मंडल का मानना था कि दलित और मुस्लिम आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, लिहाजा दोनों एक समान हैं। उनका मानना था कि दोनों मिलकर राजनीति में बड़ी ताकत बन सकते हैं। उनकी इसी सोच की वजह से मुस्लिम लीग ने उनको अपने साथ मिला लिया। वर्ष 1943 में मुस्लिम लीग के कहने पर उन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन कर दिया। इसके बाद वे मुस्लिम लीग के करीब आते चले गए। हालांकि कालांतर में उनकी यही सोच उनके राजनीतिक पतन का कारण बन गया। आरंभिक दिनों में मुस्लिम लीग के नेताओं ने मंडल को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान में दलित हिंदुओं को सामान्य से ज्यादा अधिकार दिया जाएगा। योगेंद्रनाथ मंडल को इस बात पर इतना यकीन हो गया था कि डायरेक्ट एक्शन के दौरान नोवाखाली में हुए दलितों के नरसंहार पर योगेंद्रनाथ मंडल ने चुप्पी साध ली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कई अन्य नेताओं के समझाने के बाद भी उन्होंने मुस्लिम लीग से अलग होना स्वीकार नहीं किया। कालांतर में यह बड़ी गलती साबित हुई। मुस्लिम लीग के शुरुआती दिनों में योगेंद्रनाथ मंडल को इसका कुछ लाभ जरूर मिला। पाकिस्तान गठन के बाद योगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बना दिया गया। इधर दलित समुदाय के लोगों ने अपने नेता योगेंद्रनाथ मंडल की बातों पर यकीन किया और बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान में रहना कबूल कर लिया। लेकिन जल्दी ही उनका सपना चकनाचूर होने वाला था। मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान में दलितों के लिए कोई जगह नहीं बची। पाकिस्तान की सरकार ने धीरे धीरे मंडल से किए सारे वादे नकार दिए। पाकिस्तान के कानून मंत्री रहते हुए योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान की राजनीति में अलग थलग पड़ने लगे थे। पाकिस्तान में दलित महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार की घटनाएं आम हो गई। पाकिस्तान में दलितों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बढ़ने लगा। कानून मंत्री रहते हुए योगेंद्रनाथ मंडल ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनका भी विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान के उलेमा और धर्मगुरु अब योगेंद्रनाथ मंडल को अपने रास्ते का कांटा समझने लगे। आखिरकार योगेंद्रनाथ मंडल को कानून मंत्री से इस्तीफा देकर पाकिस्तान से भागना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगेंद्रनाथ मंडल की पहचान एक बड़े दलित नेता की थी। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समकक्ष हुआ करते थे। पाकिस्तान के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान के गठन के बाद वहां के पहले कानून मंत्री भी बने। लेकिन पाकिस्तान में दलितों की दुर्दशा देखने के बाद 1950 में इस्तीफा देकर वो भारत लौट आए और भारत में गुमनाम जीवन जीते हुए 1968 में उनका देहांत हो गया। योगेंद्रनाथ मंडल का जन्म अविभाजित बंगाल के एक कस्बा बाकरगंज में हुआ था। वह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी शिक्षा का खर्च उनके बे औलाद चाचा ने उठाया था। एक स्थानीय स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने बंगाल के बारिसाल शहर के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान ब्रिजमोहन कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बारिसाल नगर पालिका से अपने राजनीति के सफर की शुरुआत की और नवगठित पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री तक बने। उन दिनों अविभाजित बंगाल की कुल आबादी 5,10,00,000 हुआ करती थी। इसमें 80,00,000 दलित थे। दलितों में सबसे बड़ा जातीय समूह महेशियों का था। इनकी आबादी करीब 35,00,000 थी। योगेंद्रनाथ मंडल इसी महेशी समूह से ताल्लुक रखते थे। उन दिनों भारत के सबसे बड़े दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। तकदीर का खेल ऐसा हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने और योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। कुछ साल बाद दोनों को ही अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। पर दोनों के बीच एक बड़ा फर्क यह था कि मंडल ने हताशा में त्याग पत्र दिया, जबकि अंबेडकर ने अपने वसूलों की वजह से त्याग पत्र दिया। मंडल पाकिस्तान का संविधान बनते हुए नहीं देख सके, जबकि अंबेडकर ने जनवरी 1950 में भारत के संविधान को पूरा करके अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नील का पत्थर बनकर आज भी जिंदा है, जबकि पाकिस्तान की राजनीति में योगेंद्रनाथ मंडल को मुकम्मल तौर पर भुला दिया गया है। आजादी के इतने वर्षों बाद
भारत में आज भी कई बड़ा दलित चेहरा राजनीति की मुख्य धारा में मौजूद है, अपने हक और हुकूक के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान में दलित हाशिए पर है, राजनीति में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है और इससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। लब्बुल हुआ भी है कि संकीर्ण राजनीति की वजह से जो निर्णय लिया जाता है या जो फैसला लिया जाता है वह समाज को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लिहाजा सभी पहलुओं को ठीक से समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। नमस्कार।